नमस्कार साथियों, ज्ञान बूस्टर कंप्यूटर शाला में मैं दीपक जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आमतौर पर एमएस ऑफिस भी कहा जाता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स का पैकेज है जिसके द्वारा किसी ऑफिस में किए जाने वाले कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि लेटर के फॉर्मेट डिज़ाइन करना है, विभिन्न प्रकार के फॉर्म बनाना है, प्रश्न पत्र इत्यादि प्रकार के डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। साथ ही कैलकुलेशंस करना है, बिल्स डिज़ाइन करना है, स्टॉक मैनेजमेंट या सैलरी मैनेजमेंट करना है, प्रेजेंटेशंस बनाना है या फिर डेटाबेस का मैनेजमेंट करना है, और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे कार्य हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सारे कार्य करने के लिए एमएस ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें से एक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही काम करना प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम शून्य से लेकर एडवांस लेवल तक के कार्य करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एमएस वर्ड या आम तौर पर वर्ड भी कहा जाता है, जिससे हम आसानी से टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग इत्यादि प्रकार के कार्य कर सकते हैं। एमएस वर्ड में कई प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लेटर, पॉम्पलेट, एडमिशन फॉर्म, सर्टिफिकेट, क्वेश्चन पेपर, विजिटिंग कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, स्टडी मटेरियल्स इत्यादि, और भी ढेरों कार्य हैं जो बड़ी आसानी से एमएस वर्ड में हम कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने से पहले वर्ड की कुछ बेसिक जानकारी और कुछ टूल्स का उपयोग हमें आना चाहिए। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं इन सारे टूल्स के बारे में जानकारी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं WORD। इतने में हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस पर क्लिक करके हमने इसको ओपन किया। अब सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ हमें होना चाहिए, जैसे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ, ठीक है। और ये है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब जहाँ पर आपके प्रोग्राम का यानी कि सॉफ्टवेयर का या फिर आपकी फाइल का नाम होता है। जैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, और इस फाइल का नाम मैंने रख दिया है ABCD, ठीक है, और सेव। तो देखिए फाइल का नाम जो मैंने रखा है ABCD, वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। इसका मतलब ये कि सबसे ऊपर की जो पट्टी है उसे हम टाइटल बार कहेंगे, जहाँ पर फाइल का और सॉफ्टवेयर का नाम या टाइटल यानी कि शीर्षक दिखाई देता है। उसके बाद टाइटल बार के राइट हैंड साइड पर तीन विकल्प आपको और दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले विकल्प का नाम है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ मतलब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एमएस वर्ड है वो नीचे आकर टास्क बार में शिफ्ट हो गया है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुलकर फिर से आ जाएगा। अब मिनिमाइज़ का यूज़ हम ये करते हैं कि अगर हमें एमएस वर्ड को छोड़कर कभी किसी और प्रोग्राम पर जाना हो या कोई और काम करना हो तो कुछ वक्त के लिए हमने इसको मिनिमाइज़ किया, कोई और प्रोग्राम पर गए, काम किया और हम वापस आ सकते हैं। मतलब ये कि मिनिमाइज़ करने पर आपका एमएस वर्ड नीचे टास्क बार में खुला हुआ रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। रिस्टोर का मतलब आपके एमएस वर्ड को स्क्रीन साइज से छोटा कर दीजिए, ठीक है, ये देखिए। और अब इसका नाम हो गया है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब फुल स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है, ये फुल स्क्रीन हो गया। और तीसरा ऑप्शन है क्लोज। क्लोज का मतलब एमएस वर्ड को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, स्टार्ट सर्च करते हैं WORD माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब टास्क टाइटल बार के सबसे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन मतलब यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, ये वही सारे कमांड्स हैं जो हमने पेंट ब्रश के दौरान जिनके बारे में बात की थी, ठीक है। और नीचे स्टेटस बार में और भी कई सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी, जहाँ पर जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस भी हैं या हमारी फाइल को अलग अलग व्यूज़ में देखने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। और सबसे नीचे वाली जो पट्टी है ये है टास्क बार। टास्क बार मतलब कि आपके कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम जो ओपन होते हैं वो आपको नीचे इस टास्क बार में दिखाई देते हैं। अब एक एक करके इन सारे ऑप्शंस का हम यूज़ करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। फार्मूला है इक्वल रेंड और ब्रैकेट। जैसे मैं इंटर करूँगा तो इंटर करते ही हमारे सामने तीन पैराग्राफ आ चुके हैं। तो मुझे टाइप करने की मेहनत नहीं करना पड़ी, पहले से बने बनाए कुछ पैराग्राफ्स हैं, इन पर ही मैं सारे टूल्स का यूज़ करके देख लूँगा और सारे टूल्स सीख सकता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। ये आपने पेंट ब्रश के दौरान भी सीखा था, जैसे किसी एक टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो हम कट करेंगे और दूसरे स्थान पर ले जाकर पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं, जैसे मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया है और कट, तो कट करते ही देखिए स्क्रीन से ये हट गया है। और अब मैं जहाँ पर क्लिक करके कर्सर रखूँगा और पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो वो टेक्स्ट वहाँ से हटकर उस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कट पेस्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका और था, Ctrl+X और Ctrl+V कट और पेस्ट के लिए। अब ऐसे ही कॉपी और पेस्ट करना है, तो सिलेक्ट किया जितना हम चाह रहे हैं, सिलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक किया,
और हम जहाँ पर भी चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके कर्सर रखा, अगर इंटर करके हम चाहे तो एक लाइन नीचे आ सकते हैं या फिर स्पेस बार का यूज़ करके थोड़ी सी स्पेस बना सकते हैं और पेस्ट। तो एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है और इससे पहले जहाँ पर ये टेक्स्ट था वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके पहले फॉन्ट वाले सेक्शन में इन सारे फॉन्ट के टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब अलग अलग डिज़ाइन के कई सारे फॉन्ट यहाँ पर मिलेंगे। कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि आप कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी वेबसाइट पर जिस भी टूल या जिस भी फंक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो बस माउस पॉइंटर उस टूल पर ले जाकर छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर में उस टूल का नाम, उसका शॉर्टकट और उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम बी पर देखते हैं। बी पर क्या है? बी का मतलब बोल्ड, उसका नाम है फंक्शन का। कंट्रोल प्लस बी इसका शॉर्टकट है। और मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड मतलब सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करना या गाढ़ा करना। मतलब ये कि फंक्शन के या टूल के बारे में आपको सारी डिटेल्स कौन बता रहा है? कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी का यूज़ करके देखते हैं। अब इन सारे टूल्स का यूज़ कहाँ करना है उस टेक्स्ट को हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट चाह रहा हूँ तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब अलग अलग डिज़ाइन के कई सारे अक्षर। यहाँ पर और भी अलग अलग फॉन्ट हमें ढूंढना हो तो माउस पर एक स्क्रॉल व्हील है, आप उसको रोल करिएगा तो कई सारे अलग अलग डिज़ाइन के अक्षर आपको मिलेंगे। तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए उस पर जाकर आपने क्लिक किया तो बस वैसा ही फॉन्ट सेट हो जाएगा। और किसी फॉन्ट को सिलेक्ट किया और किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और फिर से फॉन्ट आपने चेंज किया। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, तो जितना भी हम चाह रहे हैं उतने टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज में अलग अलग कई सारे साइज मिलते हैं, जो भी साइज आपको चाहिए वो जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया है 20। ठीक है, ये हो गया साइज छोटा, साइज बड़ा हो गया है। यही काम करने के लिए दूसरा तरीका है ग्रो फॉन्ट। ग्रो का मतलब फॉन्ट का साइज बड़ा करना और श्रिंक का मतलब फॉन्ट का साइज छोटा कर देना। ठीक है, तो जितना भी फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा हम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का मतलब जैसे हम कुछ हेडिंग्स जब टाइप करते हैं, हेडिंग्स मतलब चैप्टर के नाम, तो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। तो हमने जिस भी टेक्स्ट को चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट किया और बोल्ड, बोल्ड पर क्लिक करते ही देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो गया, मतलब मोटे अक्षरों में तब्दील हो गया है। और भी कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया और बोल्ड। ठीक है, बोल्ड से मोटा भी हो जाएगा और वापस पतला भी हो जाएगा। जिस फंक्शन से हम जो चेंज कर रहे हैं उसी फंक्शन से, उसी टूल से वापस पहले जैसा भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक मतलब फॉन्ट को तिरछा कर दीजिए। ये नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन भी आ जाएगी नीचे, जैसे हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। अंडरलाइन में साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पर जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के कई सारे अंडरलाइंस आपको मिलेंगे। जो भी आपको पसंद हो या जिसकी ज़रूरत हो वो आपने सेलेक्ट किया। इसके अलावा इसी ड्रॉप डाउन एरो में नीचे आपको मिलेगा मोर अंडरलाइन कलर्स, मतलब अंडरलाइन किस कलर में होना चाहिए वो कलर भी हम यहाँ से लेकर सेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि रेड कलर ले लिया, तो ये देखिए दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए मैंने मेरे मेरे सेंटर के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं और पुराने रूल्स भी साथ में लिखे हुए हैं, तो पुराने रूल्स को मैंने इस तरह से एक कट लगा दिया है और ये शो किया है कि पहले ऐसे नियम थे लेकिन अब ऐसे नियम नहीं है। ठीक है, या फिर मार्केट में भी आपने कई जगह पर देखा होगा, कोई पॉम्पलेट वगैरह या पोस्टर वगैरह पर आपने देखा है कि 500 रुपीज़ का ड्रेस है और उस पर कट लगा दिया है और लिख दिया है 450 रुपीज़। तो ऐसा कोई भी चेंज आपको चाहिए तो यहाँ से स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करके हम कर सकते हैं। अगर हटाना हो तो भी वही तरीका है, सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर दीजिए। तो जितना हमने सेलेक्ट किया है उतने टेक्स्ट से ये सारी सेटिंग हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब अक्षरों का कलर चेंज करना। तो अलग अलग टेक्स्ट पर या वर्ड्स पर अलग अलग कलर हम सेट कर सकते हैं। तो जितना भी हम चाह रहे हैं उतना हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके फॉन्ट का कलर हम क्या लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। तो देखिए अलग अलग कलर्स पर मैं जा रहा हूँ तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी कलर हमें पसंद हो या जिसकी ज़रूरत हो उस पर हमने किया क्लिक तो यही कलर सेट हो जाएगा। और किसी वर्ड पर सेलेक्ट किया और कोई और कलर ले लिया। नेक्स्ट है
टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो भी टेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि हमारे मैटर में, हमारी फाइल में वो टेक्स्ट अलग दिखे, तो हाईलाइट का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि किसी बुक में भी हम करते हैं, बुक में किसी चीज़ को ध्यान रखना हो तो उसको किसी कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन है, इसका यूज़ किया और किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और किसी कलर से आपने हाईलाइट कर दिया। तो अलग अलग टेक्स्ट पर अलग अलग हाईलाइट भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस मतलब कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का चेंज करना। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको कोई लेटर लिखने के लिए कहा, कि आपने एक लेटर तैयार कर लिया है, ठीक है, और सारा लेटर जो है वो कुछ इस तरह से आपने तैयार किया है, और कस्टमर ने कहा कि भैया ये सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए था, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट ऑल करके सारा मिटा देंगे और कैप्स लॉक ऑन करके फिर से पूरा कैपिटल में टाइप करेंगे। तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जितना चाह रहे हैं उतने टेक्स्ट को, यानी कि वर्ड लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और चेंज केस। तो चेंज केस में सबसे पहले हम देखेंगे अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। ध्यान दीजिए, अपर केस जो लिखा हुआ है उसमें सारे लेटर कैपिटली दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की बहुत अच्छी विशेषता है, कंप्यूटर में किस टूल का यूज़ क्या है, यानी कि कौन सा टूल क्या काम में आता है, वो टूल कुछ वैसा ही बना हुआ भी रहता है। जैसे अपर केस से सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं, ये देखिए सारा कैपिटल हो गया, और चलकर देख लेते हैं लोअर केस, सारे लेटर स्मॉल हो गए। तो देखिए लोअर केस में सारे लेटर्स यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। ऐसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। जैसे कि एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, या फिर कोई नाम सरनेम हमने लिखे टाइप किया है और स्मॉल लेटर में लिख दिया है, तो हर एक वर्ड का, यानी कि नाम का और सरनेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के अपोजिट टॉगल केस। टॉगल केस मतलब हर वर्ड का पहला पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी पूरा वर्ड यानी कि सारे लेटर कैपिटल होंगे। इसके बाद सेंटेंस केस मतलब इंग्लिश का एक सेंटेंस जिस फॉर्मेट में होता है, जिस रूप में होता है, उसी रूप में वापस कन्वर्ट करके रख देगा। जैसे यू कैन इजिली चेंज, और जैसे ही फुल स्टॉप आया, ये देखिए होम टैब, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद फिर से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो नए सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर फिर से कैपिटल, ठीक है। तो ये इंग्लिश के प्रारूप में उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, कौन सा टूल क्या काम में आता है, वो कुछ बना हुआ भी वैसे ही होता है। जैसे अपर केस में सारे लेटर कैपिटल है मतलब सब कुछ वो कैपिटल करेगा, लोअर केस में सारा स्मॉल है मतलब सब कुछ स्मॉल करेगा, इटैलिक तिरछा बना हुआ है, अंडरलाइन में यू के नीचे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो सारे टूल्स बने हुए भी वैसे ही होते हैं, वैसे ही उनके आइकॉन होते हैं जैसा वे काम करते हैं। साथ ही हर एक टूल पर उस टूल का नाम, उसका शॉर्टकट और उसकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई आ जाती है। अब शॉर्टकट जो लिखा हुआ है, आप इन शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे ये हमने सेलेक्ट किया है और मुझे करना है बोल्ड, तो बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस बी। तो मतलब मैं कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्लस बी करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा, और वापस कंट्रोल प्लस बी कर दूंगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी बी। ऐसे ही इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई आई। तो इस तरह से जितने भी टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे टूल्स के नाम आप जाकर पता कर सकते हैं, और माउस की बजाय डायरेक्ट कीबोर्ड का यूज़ करके भी ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे मान लीजिए साइंस का कोई क्वेश्चन पेपर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर साइंस की कोई बुक का कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो साइंस में कई सारे फॉर्मूले आते हैं, H2O, H2SO4 इत्यादि। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है तो आपने नोटिस किया होगा H2O में 2 जो है H के नीचे बॉटम में आता है। तो ऐसा कुछ अगर करना हो तो हमारे पास तरीका है सबस्क्रिप्ट। तो चलिए हम करके देखते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, कैपिटल H2O। तो देखिए 2 जो है अभी H के बराबर है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम में आ जाए। तो इसके लिए तरीका है, सबस्क्रिप्ट को आपने एक्टिव किया तो देखिए उस पर हाईलाइट दिख रहा है, किसी भी टूल पर हाईलाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो टूल एक्टिव है। और यहाँ पर नीचे देखिए कर्सर जो है वो भी नीचे आ गया है बॉटम में। अब हम 2 टाइप करते हैं तो देखिए 2 H के नीचे आ रहा है बॉटम में। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पर क्लिक करके वापस इसको ऑफ कर दीजिए, और ओ H2O हमें लिखना है, H2SO4, तो कैपिटल H। फिर से हमने सबस्क्रिप्ट को एक्टिव किया, 2, फिर से इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, SO, फिर से 4 हमें चाहिए नीचे बॉटम में, तो इसे फिर से एक्टिवेट कर दिया, और 4। अगर किसी टूल का यूज़ हो गया है और आप इसकी ज़रूरत नहीं हो तो उससे वापस क्लिक करके बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ वही टूल आगे तक चलता रहेगा और आपको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ये तो साइंस के कुछ फॉर्मूले हमें अगर बनाना है तो इस तरह से किसी टेक्स्ट को बॉटम में लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मतलब
जैसे मैथ्स में हम कुछ घात वाले सवाल करते हैं, पावर में कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने किया 10 की घात 5 और 5 मुझे चाहिए ऊपर घात में, तो सुपरस्क्रिप्ट एक्टिव कर दीजिए। तो देखिए कर्सर ऊपर आ गया और 5, और फिर से इसे हम क्लिक करके ऑफ कर देंगे, तो ये हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का ही, और फार्मूला जैसे कि ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर यानी कि सुपर स्क्रिप्ट को एक्टिव कर दीजिए और ये 2 आ गया। फिर से इसको ऑफ कर दीजिए, इक्वल ए स्क्वायर, फिर से हमने सुपर स्क्रिप्ट को एक्टिव किया ए स्क्वायर, फिर से इसको डीएक्टिवेट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह के हम कुछ फॉर्मूले भी अगर बनाना चाह रहे हैं तो आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखना हो तो 1st, अगर हमने पहले टाइप कर दिया है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सेलेक्ट करिए जिसको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना चाह रहे हैं और टूल का यूज़ करिए, तो बाद में भी हम सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका यूज़ हो गया है तो इसे क्लिक करके फिर से हम नॉर्मल करते हैं। अब इतना सारा चेंज हमने कर दिया है, इतने सारे टूल्स का यूज़ करके हमने फॉर्मेटिंग की है। फॉर्मेटिंग का मतलब अलग अलग टेक्स्ट पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर इत्यादि, तो ये सारी फॉर्मेटिंग कहलाएगी। और फॉर्मेटिंग को अगर हटाना हो, हम चाहते हैं कि फिर से सब कुछ हटाकर नॉर्मल कर दें, तो इसके लिए तरीका है सेलेक्ट करिए जितना भी हम चाह रहे हैं, ठीक है, और क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते ही सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। मतलब पहले शुरुआत में जिस तरह का टेक्स्ट था बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आ चुका है। लेकिन एक चीज़ नहीं हुई है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर नहीं हटा है, तो अगर टेक्स्ट हाईलाइट नहीं गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्ट करिए और जहाँ से हमने जो चेंज किया था, जैसे कि हाईलाइट किया था, वहीं पर जाकर आपने किया नो कलर, मतलब टेक्स्ट हाईलाइट पर जाकर ले लिया नो कलर, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट भी हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है पैराग्राफ। ठीक है, हमारा फॉन्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट सेक्शन है पैराग्राफ। पैराग्राफ में पैराग्राफ पर काम करने के कुछ टूल्स हैं, जैसे पैराग्राफ को लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में अरेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेंटर का। इसके लिए हम एक काम करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करेंगे और सब कुछ डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए मैं कुछ नोट्स तैयार कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे हेडिंग टाइप करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग आए बीच में, तो मैंने लिया सेंटर ऑप्शन। ठीक है, सेंटर पर क्लिक करते ही हम सेंटर में आ चुके हैं और मैंने हेडिंग टाइप की स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब एंटर करके मुझे वापस जाना है लेफ्ट साइड में, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे, और ये स्वामी विवेकानंद की पूरी जीवनी हमने मान लीजिए कि टाइप कर दी। ठीक है, चलिए अब एक लेटर तैयार करते हैं, जैसे मुझे राइट हैंड साइड पर जाना है डेट मेंशन करने के लिए, तो अलाइन टेक्स्ट राइट पर हमने क्लिक किया तो कर्सर डायरेक्ट हमारा राइट में आ गया। ठीक है, तो हमने डेट मेंशन की 22 जनवरी 2022। ठीक है, अब मुझे वापस जाना है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पर हमने क्लिक किया तो वापस आ गए हैं लेफ्ट में और टाइप किया डियर, और इसके नीचे आपका जो भी लेटर है या एप्लीकेशन में आपने पूरा टाइप किया। अब मुझे बीच में जाना है थैंक यू लिखने के लिए, तो हमने लिया सेंटर थैंक यू। अब मुझे राइट हैंड साइड पर जाना है, तो अलाइन टेक्स्ट राइट पर क्लिक करते ही हम आ गए राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो हमें जो भी जिस भी साइड जाना हो, चाहे लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में, इन 3 ऑप्शन का यूज़ करके आसानी से जा सकते हैं, और यही काम करने के लिए इनके शॉर्टकट्स भी हैं। सेंटर में जाना हो तो कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट में जाना हो तो कंट्रोल प्लस एल, और राइट में जाना हो तो कंट्रोल प्लस आर। अब इसके बाद नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल बराबर मार्जिन दिखाई दे रही है, लेकिन पैराग्राफ के राइट हैंड साइड की मार्जिन टूटी फूटी सी लग रही है। हम चाहते हैं कि राइट हैंड साइड पर भी बराबर दिखाई दे, व्यवस्थित दिखाई दे, इसीलिए हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई पर क्लिक करते ही देखिए राइट हैंड साइड की मार्जिन भी सही हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब लाइनों के बीच की स्पेस को कम ज़्यादा करना। चलकर देखते हैं, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग है 1.15 है, हम 2.0 या जो भी स्पेसिंग लेना चाहें ले सकते हैं, तो लाइनों के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा की जा सकती है। और यहीं पर ऑप्शन है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब कि जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है उस पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करना या
आफ्टर यानी कि बाद में ऐड करना, या फिर स्पेस को हम रिमूव करके हटा भी सकते हैं। तो जैसे मैंने रिमूव कर दिया, तो देखिए पैराग्राफ के बाद की स्पेस हट गई है, ठीक है। ऐड कर दूंगा ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो सिलेक्टेड पैराग्राफ के बाद में स्पेस फिर से बढ़ गई है पैराग्राफ के बाद। अब नेक्स्ट है शेडिंग। शेडिंग मतलब जिस भी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है, या सेलेक्ट करने के बजाय अगर किसी एक पैराग्राफ पर क्लिक करके कर्सर भी हम रख लेंगे, इतने में भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी पैराग्राफ पर क्लिक किया, फिर से कोई कलर हमने चेंज कर दिया, या फिर जितने पैराग्राफ्स हम चाहते हैं उतने पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके शेडिंग में जाकर हम जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं। अगर कलर को हटाना भी हो तब भी तरीका वही है, सेलेक्ट किया जितना हम चाह रहे हैं और जाकर नो कलर, ठीक है। तो शेडिंग में कई अलग अलग कलर मिलेंगे जिनको बैकग्राउंड में रखा जा सकता है या फिर हटाया भी जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब सिलेक्टेड पैराग्राफ या टेक्स्ट के ऊपर नीचे या दाएं बाएं यानी कि चारों ओर बॉर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बॉटम बॉर्डर मतलब नीचे एक बॉर्डर आ जाएगी, टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर एक बॉर्डर आ जाएगी, ऐसे ही लेफ्ट या राइट में बॉर्डर ला सकते हैं। या फिर अगर किसी साइड की बॉर्डर को हटाना भी हो तब भी तरीका वही है, मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड की बॉर्डर को हम हटा दें, तो जाकर हमने लिया लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट हैंड साइड की बॉर्डर हट गई। इस तरह से सारी बॉर्डर्स को हम हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं, या फिर नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सिलेक्टेड है उनसे सारी बॉर्डर क्लियर हो जाएगी। अब आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के चारों ओर एक यूनिक बॉर्डर आ जाएगी, नो बॉर्डर करके हम हटा देते हैं। इसके बाद ऑल बॉर्डर पर अगर क्लिक करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ सिलेक्टेड है सभी पर इंडिविजुअल बॉर्डर्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं नो बॉर्डर फिर से। इसके अलावा कई सारे और भी टूल्स हैं, इनका यूज़ हम आगे ज़रूरत पड़ने पर फिर से करके देखेंगे। अब नो बॉर्डर करके मैं सारी बॉर्डर्स को हटा रहा हूँ। इसके बाद किसी भी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को पेज के राइट हैंड साइड पर लेकर जाने के लिए हमारे पास तरीका है इंक्रीज इंडेंट। तो जितना इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे उतना पैराग्राफ राइट 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 में जाएगा। अभी जो स्पेस बनी है, मैं यहाँ पर चाहूँ तो सिग्नेचर के लिए कोई स्पेस मैंने बना ली, या फिर कोई पिक्चर मुझे लगाना हो, फोटो लगाना हो, तो मैं कर सकता हूँ। वापस डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्रम में जमाना। इसके लिए हम एक काम करते हैं, कंट्रोल प्लस ए और ये सारा कर देते हैं डिलीट। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी हुई है नोटिस बोर्ड पर, और उस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना है। उस लिस्ट में सारे नाम रैंडमली लिखे हुए हैं, तो आपका नाम ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, मतलब सारे नाम पढ़कर जाना पड़ेगा कि हमारा नाम कहाँ पर है। लेकिन अगर उस लिस्ट में सारे नाम एक निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं, मतलब पहले अजय, विजय, अजय, अरुण, अनीता, इस तरह से ए से लेकर जेड तक के नाम सही क्रम में लिखे हुए हैं, तो आसानी से हम किसी नाम को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि किसी इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई भी वर्ड आपको ढूंढना हो तो हज़ारों में से इस एक वर्ड को आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो सारे वर्ड क्रम में जमे होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने टाइप किया सुनील, अजय, राहुल, सुनीता, पूजा, सारा, नेहा, उषा, पूनम, शिवानी, बमन, ठीक है। और इन सभी नामों की लिस्ट को हमने सेलेक्ट किया और सॉर्ट। तो सॉर्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग लिया और ओके किया, तो देखिए असेंडिंग में अल्फाबेटिक ए से जेड तक के नाम क्रम में आ गए हैं। पहले अजय, ए से आने वाले नाम सारे, फिर बी से आने वाले नाम जैसे कि बमन, और इस तरह से जेड तक हम जा सकते हैं। और अगर डिसअसेंडिंग लेंगे तो बिल्कुल उल्टे क्रम में सारे नाम आ जाएंगे, या फिर आप नीचे से भी देख सकते हैं, नीचे से अजय, फिर बमन, और उल्टा क्रम चल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को मैं एमएस ऑफिस का जादूगर कहता हूँ। जादूगर इसलिए कि क्योंकि ये किसी एक टेक्स्ट पर जो फॉर्मेटिंग है उसे दूसरे टेक्स्ट पर बड़ी आसानी से अप्लाई करने के लिए काम में आता है। कैसे करता है हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ नोट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे मैंने टाइप किया लेसन 1, और माना कि ये लेसन 1 हमारा हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही लेसन 2, लेसन 3, इस तरह से मैंने कई सारे लेसन्स तैयार कर लिए, ठीक है। मान लीजिए 50 लेसन्स हो चुके हैं, और अब एक लेसन को आपने सेलेक्ट किया, लेसन या हेडिंग है जो चैप्टर की वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखना चाहिए, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा अलग दिखेगा, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सेंटर में अलाइन होना चाहिए, या
कैपिटल भी होना चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर कुछ और हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद शेडिंग से भी मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। इतना सारा कुछ चेंज हमने कर दिया, अब फ़ॉन्ट का डिज़ाइन भी हम ले लेते हैं। इतना सारा चेंज हमने किया है और जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए, सभी हेडिंग्स। जैसे कि लेसन 2 भी ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, लेसन 3 भी, 4, 5, मतलब 50 चैप्टर है, तो इन 50 चैप्टर्स को इस फॉर्मेटिंग में अगर लाना है तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सेकेंड चैप्टर पर करेंगे, फिर ऐसे ही थर्ड पे, फोर्थ पे, और इतना करते करते आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो हमारे पास तरीका है फॉर्मेट पेंटर। कैसे? जिस जगह की फॉर्मेटिंग हम चाह रहे हैं, जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं, उस टेक्स्ट पर हमने क्लिक करके कर्सर रखा और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके उठाया। कर्सर रखने का मतलब ये है कि जहाँ पर कर्सर होगा कंप्यूटर को मालूम होगा कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग क्या है, तो फॉर्मेट पेंटर वही फॉर्मेटिंग लेकर साथ में आएगा। तो मैंने लेसन 1 में बीच में कहीं पर भी क्लिक करके कर्सर रख दिया है और फॉर्मेट पेंटर पर हमने किया डबल क्लिक, तो हाईलाइट हो गया। इसका मतलब फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया है। और मेरे माउस पॉइंटर के साथ में ध्यान से देखिए एक ब्रश भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब फॉर्मेट पेंटर हमारे साथ में है। अब सावधानी से लेसन 2 को आपने सेलेक्ट किया, देखिए ये भी वैसे ही चेंज हो गया है। लेसन 3 को चेंज किया, तो जितने टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते जाएंगे, भले 1000 चैप्टर भी हमारे हमारी फाइल में क्यों ना हो, तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग में वे भी आते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा कई घंटों का काम हमने बस एक झटके में कर दिया, लेकिन सावधानी से ये काम करना है। अगर कहीं पर गलती से भी क्लिक कर दिया तो फिर सारी फॉर्मेटिंग नॉर्मल टेक्स्ट की भी वो बिगाड़ के रख देगा। अब अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा दीजिए या फिर वापस इस पर क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर को हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टाइल्स वाले ग्रुप में कई सारे आपको पहले से बने बनाए स्टाइल्स के फॉर्मेट मिलेंगे, मतलब कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। तो जितना हम चाह रहे हैं उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और जिस भी स्टाइल में हम फ़ॉन्ट को रखना चाह रहे हैं, रेडीमेड बने बनाए स्टाइल्स हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए या जिसकी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। हालांकि इसकी कभी आपको ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम मैनुअली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके अपने हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंज स्टाइल एक ऑप्शन और है, जहाँ पर और भी कुछ इफेक्ट्स हमें मिल जाएंगे, कुछ अलग अलग डिज़ाइन के फ़ॉन्ट हमें मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन सभी का यूज़ करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब हमारी फाइल में किसी भी वर्ड को या किसी नाम को ढूंढना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 स्टूडेंट की लिस्ट है और उसमें से हम अपना नाम ढूंढना चाह रहे हैं कि कहाँ पर है, तो एक एक नाम को पढ़कर मेहनत करके जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने किया फाइंड, या इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+F। तो फाइंड हमने किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और जो भी नाम हम चाहते हैं उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके पहले मैं एक फॉर्मूला यूज़ करके पैराग्राफ लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब जो भी वर्ड या जो भी नाम मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उसके लिए मैंने किया फाइंड पर क्लिक या Ctrl+F, और मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि THE द कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, मतलब हमसे पूछता है कि क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो हमने उसे बताया टाइप करके THE द ढूंढो जहाँ जहाँ पर भी है। तो जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया या फिर कीबोर्ड से इंटर किया, तो फाइल में पैराग्राफ में जहां पर भी THE द ये स्पेलिंग मिलेगी वहां पर वो हाईलाइट करके सेलेक्ट करके दिखा देगा, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया और सेलेक्ट करके दिखा रहा है, फिर से फाइंड नेक्स्ट, फिर से द सेलेक्ट करके उसने दिखाया, फिर से फाइंड नेक्स्ट किया, तो देखिए THESE दीज, इसमें भी उसने THE स्पेलिंग को ढूंढ लिया, और फाइंड नेक्स्ट किया तो अदर में भी उसने फाइंड नेक्स्ट को ढूंढ लिया, ठीक है। तो जहां जहां पर भी फाइल में THE द स्पेलिंग होगी सभी को वो हाईलाइट करके या सेलेक्ट करके दिखाएगा, या फिर हम एक साथ देखना चाह रहे हैं कि जहां जहां पर भी ये स्पेलिंग हो सभी को एक साथ दिखाओ, तो रीडिंग हाईलाइट ऑप्शन में जाकर हमने किया हाईलाइट ऑल। तो हाईलाइट ऑल पर क्लिक करते ही जितने भी THE द स्पेलिंग वाले वर्ड हैं या जहां जहां पर भी हैं वे सारे उसने हाईलाइट करके दिखा दिए। और वापस अगर हटाना चाह रहे हैं तो रीडिंग हाईलाइट में फिर से जाकर हमने किया क्लियर हाईलाइट, ठीक है। तो सारे हाईलाइट्स हट जाएंगे। और कोई वर्ड ढूंढना हो तो यहाँ पर आपको फिर से कोई वर्ड टाइप करना है और फाइंड नेक्स्ट करते हुए या इंटर करते हुए ढूंढते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब किसी एक वर्ड को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड ले जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, ठीक है, और स्टोरी में किरदार का नाम है अजय, ठीक है। तो अलग अलग कई पैराग्राफ में कई जगह पर आपको अजय टाइप करना है। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी फाइल में टोटल 15 पेजेस हो चुके हैं, ठीक है। अब
अब मान लीजिए किरदार का जो नाम है अजय, उसे हम बदलना चाह रहे हैं और विजय रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आमतौर पे हम पढ़ेंगे कि अजय कहाँ पर लिखा हुआ है, और जहाँ पर भी अजय होगा उसे मिटाएंगे, उसके स्थान पर कोई और नाम टाइप करेंगे, और इस तरह से पूरी फाइल में हम यही मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस, तो रिप्लेस की मदद से जहाँ जहाँ पर भी अजय होगा, कंप्यूटर उसको बदल कर उसके स्थान पर कोई नया नाम यानी कि विजय कर देगा। तो इसके लिए हम कर्सर को शुरुआत में रख लेते हैं सबसे पहले, ताकि शुरू से ही सारे फाइल को रीड करना शुरू करे कंप्यूटर। तो रिप्लेस पर क्लिक किया, तो देखिए रिप्लेस पर क्लिक करते ही हमारे सामने फिर से वही डायलॉग बॉक्स आया, कौन सा, फाइंड एंड रिप्लेस। यहीं पर फाइंड, रिप्लेस, गो टू कई ऑप्शन मिलते हैं, तो हम इस वक्त हैं रिप्लेस पर। अब रिप्लेस में कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, कंप्यूटर हमसे पूछता है कि मैं क्या ढूंढूं। तो हमें क्या ढूंढना है, जिस वर्ड को हम हटाना चाह रहे हैं हमें वो वर्ड ढूंढना है। तो हमने टाइप किया यहाँ पर अजय, ठीक है। और बजाय टाइप करने के, अगर स्पेलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वो इस वर्ड को ढूंढ नहीं पाएगा और रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अजय यहाँ पर टाइप करने के बजाय मैंने अजय यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉपी किया, राइट क्लिक, कॉपी। कॉपी करने के कई सारे तरीके हमने पहले सीखे थे और अभी भी मैंने इनके बारे में बात की थी। तो एक और तरीका है राइट क्लिक पर कॉपी, और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। और अजय के स्थान पर हमें क्या चाहिए ये पूछा जा रहा है रिप्लेस विथ में। तो अजय की जगह हम रखना चाह रहे हैं नाम विजय, ठीक है, और किया रिप्लेस। तो रिप्लेस पर क्लिक करते ही देखिए अजय की जगह विजय नाम आ गया है, और इसके बाद नेक्स्ट अजय कहाँ पर लिखा हुआ है वो भी आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा है। फिर से रिप्लेस करना हो तो फिर से हमने रिप्लेस कर दिया, और देखिए विजय हो गया। अब अगला आ गया है, फिर से रिप्लेस किया तो फिर से विजय हो गया है, और अगला फिर से सिलेक्ट करके दिखा रहा है। और अगर कहीं पर आपको नाम को बदलना नहीं है कि नहीं यार यहाँ पर तो अजय ही आया था स्वयं, तो फाइंड नेक्स्ट करके हमने इसको छोड़ दिया। तो देखिए अब अजय नाम वैसे वैसे दिखाई दे रहा है और अगला सिलेक्ट करके दिखा रहा है। तो जब भी हमें किसी एक वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड रखना हो तो रिप्लेस करते जाएंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो जहाँ पर वो सिलेक्टेड है वर्ड उसको छोड़कर अगले पर चला जाएगा, ठीक है। और रिप्लेस ऑल पर अगर हमने क्लिक कर दिया तो क्या लिखा हुआ है, वर्ड हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, 113 रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ने कर दिए हैं पूरी फाइल में, ठीक है। और इसे यस करते हैं, मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी अजय लिखा होगा हर एक जगह पर अजय के स्थान पर उसने क्या कर दिया है, विजय, ठीक है। अब यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड में ही आपको मिलता है गो टू। गो टू मतलब जाना, कहाँ जाना, हमारी फाइल में मान लीजिए बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए 200 300 पेजेस हैं। मैं कॉपी पेस्ट करके सारे पेजेस, बहुत सारे पेज कर लेता हूँ, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, देखिए 264 पेजेस हो चुके हैं। अब मुझे जाना है पेज नंबर 364 पर, यानी कि सबसे आखिरी पेज पर। तो मेरे पास तरीका है कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाऊंगा तो डायरेक्ट मैं आखिरी पेज पर आ जाऊंगा। देखिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 264 ऑफ 264 मतलब कि 264 में से 264वें पेज पर हम आ चुके हैं आखिर में, ठीक है। और पहले पेज पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम पर क्लिक, कंट्रोल प्लस होम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे पहले पेज पर, 1 ऑफ 264 मतलब कि पहले पेज पर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले पेज पर जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम, आखिरी पेज पर जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड, लेकिन बीच में अगर किसी पेज पर जाना हो तो फिर हमारे पास तरीका है कंट्रोल प्लस जी, यानी कि गो टू। तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का ही बॉक्स आया और उसमें अब हाईलाइटेड है गो टू। अब सिर्फ पेज ही नहीं, हम पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट वगैरह बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, इन पर जा सकते हैं आसानी से, लेकिन हमें आमतौर पर जरूरत पड़ने वाली है पेज की। तो किस पेज पर आपको जाना है, इंटर पेज नंबर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर पेज नंबर टाइप कर देना है, जैसे कि मुझे जाना है पेज नंबर 25 पर, और मैंने किया इंटर या फिर गो टू। तो इंटर करते ही या गो टू करते ही ये देखिए 25 ऑफ 1 ऑफ 264 मतलब कि 25वें पेज पर हम आ चुके हैं। और कोई पेज पर जाना है, जैसे मुझे जाना है 145 और गो टू, तो देखिए ध्यान से 145वें पेज पर हम आ चुके हैं। अब इसका उपयोग क्या है, मान लीजिए मैंने मेरे 1000 स्टूडेंट की लिस्ट बनाकर रखी है, सॉरी लिस्ट नहीं, बायोडाटा बनाकर रखा है, एक एक पेज पर एक एक स्टूडेंट का बायोडाटा है, और मुझे किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के बायोडाटा पर जाना है जो कि पेज नंबर 380 पर है। तो मैं सीधा गो टू पर जाऊंगा और 380 इंटर पेज नंबर में टाइप करूंगा और गो टू पर क्लिक कर दूंगा, तो डायरेक्ट मैं पेज नंबर 380 पर यानी कि उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर चला जाऊंगा। मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रॉल का यूज़ करके, या फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन या पेज अप बटन का यूज़ करके ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एस्केप बटन दबाकर या क्लोज पर क्लिक करके हम इसको हटा सकते हैं।
अब नेक्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के कई सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। उन्हीं में से एक तरीका है सिलेक्ट, यानी कि अगर पूरी फाइल को मतलब सारे मैटर को एक बार में ही सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जब कंट्रोल प्लस ए काम नहीं कर रहा होता है, तब हमारे पास तरीका है सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल। तो देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है, मतलब पूरी फाइल 264 पेजेस की सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर से क्लिक करेंगे कहीं तो सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी इंसर्ट टैब के दौरान। मैं कुछ टूल्स आपको बताऊंगा, उस दौरान इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग, मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई लिस्ट हमें क्रिएट करना है, लिस्ट बना रहे हैं, तो उन लिस्ट पे अलग अलग नंबरिंग या कुछ सिंबल्स को भी हम बुलेट के रूप में रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, अजय, विजय, संजय, राजेश, गणेश, मुकेश, ठीक है। और इस लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स और नंबरिंग। तो हमने सबसे पहले बुलेट का यूज़ करके देख लेते हैं। तो बुलेट पर हमने क्लिक किया, हमारे पास सामने कई सारे अलग अलग बुलेट्स यानी कि सिंबल्स आ जाएंगे। तो जो भी सिंबल हमें पसंद हो या जिसकी ज़रूरत हो उस पर क्लिक किया तो वैसा ही बुलेट्स यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर चेंज भी करना चाहें तो जाकर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बशर्त ये कि टेक्स्ट आपका या लिस्ट जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नंबरिंग। नंबरिंग मतलब सभी पर एक एक नंबर आ जाएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है। नंबरिंग को हम चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर इन नंबरिंग को या बुलेट्स को हटाना हो तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा नन, इस पर क्लिक कर दिया तो सारी नंबरिंग या बुलेट्स वापस भी हट जाएंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है ये काम करने का। पहले ही हमने बुलेट्स को या नंबरिंग को एक्टिवेट कर लिया और अब टाइप करेंगे अजय, और जैसे ही इंटर करेंगे तो अपने आप नंबर 2 आ जाएगा, मतलब नया नंबर फिर से अपने आप आ जाता है। इंटर, 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 ठीक है। फिर से अगर इंटर कर दिया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, अब कुछ भी टाइप करेंगे तो नंबरिंग नहीं आएगी। और अगर गलती से ऐसा हो गया है तो बैक स्पेस करके हम फिर से चलते हैं, या फिर सीधा आखिरी जो वर्ड है वहाँ पर क्लिक कर देते हैं, आखिरी नंबरिंग वाले वर्ड पे कर्सर रखा और फिर से इंटर करेंगे तो फिर से हमारी लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ए और डिलीट करते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना। जैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आता है और उसमें 5 क्वेश्चन और हर एक में 4 4 ऑप्शंस। तो इस तरह से कई एक लिस्ट में कई सारे अलग अलग लिस्ट और उसके अंदर फिर से कई सारी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में लिख रहा हूँ, जैसे मेरे टेली वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो पहले तो हम एक काम करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट को एक्टिव कर लेंगे। जो भी लिस्ट आपको पसंद हो वो सिलेक्ट किया, ठीक है, हमने एक सिलेक्ट कर ली। अब मेरे टेली प्राइम सीखने वाले स्टूडेंट कौन कौन हैं मैं उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार करने वाला हूँ। तो मैंने इंटर किया, इंटर करने पर नंबर 2 आ रहा है, लेकिन मुझे नंबर 2 अभी नहीं चाहिए, मुझे अंदर इस लेवल के अंदर के लेवल पर जाना है, सेकंड लेवल पे, ताकि मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट बना सकूँ, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए मेरे पास तरीका है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक किया तो देखिए पहले का ए आ चुका है, ठीक है। मैं मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पहले टाइप किया मेल, इंटर। अब मेल में कौन कौन स्टूडेंट है मुझे उनकी लिस्ट यहाँ पर बनाना है, तो फिर से मैंने किया इंक्रीज इंडेंट, तो मैं ए का फर्स्ट आ चुका है। कौन कौन है, अजय, इंटर, विजय, इंटर, संजय, इंटर। अब मुझे फिर से बाहर आना है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूँगा, तो देखिए मैं ए से ए के बाद अब बी पर आ चुका हूँ, फीमेल, इंटर। फिर से मुझे अंदर के लेवल पर या लिस्ट पर जाना है तो मैंने किया इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। फीमेल कौन कौन है, राधा, सीता, नेहा, उषा। फिर से मुझे बाहर निकलना है तो डिक्रीज इंडेंट पर हमने फिर से क्लिक किया, फिर से हम बाहर आ गए। एक बार और क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाले लेवल पर यानी कि ए के बाद 2 पर हम आ चुके हैं। अब बेसिक कंप्यूटर वाले स्टूडेंट कौन कौन है, बेसिक कंप्यूटर, इंटर। अब अंदर के लेवल पर जाना है तो इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक किया, या क्लिक करने के बजाय हमारे पास तरीका है कीबोर्ड से टैब, तो मैंने टैब पर क्लिक किया, टैब बटन दबाया तो देखिए अंदर 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 के लेवल पर हम जा सकते हैं। और वापस बाहर के लेवल पर आना हो तो कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ टैब 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 टैब, ठीक है, फिर से एक बार टैब। अब इसमें मेल कौन कौन है, मैंने टाइप किया टैब से हम चले अंदर, यानी कि इंक्रीज इंडेंट, ठीक
ठीक है, इसमें कौन कौन है? राहुल, सुशांत, अनिल। वापस बाहर आना है तो शिफ्ट के साथ टैब किया, हम फिर से बाहर आ चुके हैं बी पर। अब फीमेल टाइप किया, टैब। फीमेल में कौन कौन है? सेजल, रानू। वापस मुझे बाहर आना है शिफ्ट के साथ टैब, और शिफ्ट के साथ फिर से टैब। तो टैब करेंगे तो जितना भी हम अंदर के लेवल पर जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं, और शिफ्ट के साथ टैब करेंगे तो वापस बाहर के लेवल पर आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर अगर डिजाइन करना है तो हम आसानी से टैब और शिफ्ट टैब का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मल्टी लेवल लिस्ट को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लिस्ट को हम बदलना भी चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके मल्टी लेवल लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जो भी लिस्ट हमें पसंद हो जाकर बस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसी में ये कन्वर्ट, उसी लिस्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,